बीजेपी में बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है। विजय रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी को आभार व्यक्त करता हूं। विजय रूपाणी ने शनिवार को ही राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी ने पार्टी आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने नए आयामों को छुआ। पिछले 5 सालों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि गुजरात के विकास की यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए उत्साह ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए और ये ध्यान रखकर मैंने पद से इस्तीफा दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 नाम आगे चल रहे हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कि अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम शामिल है। मनसुख मंडाविया को जुलाई में हुए मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। नहीं, दूसरा नाम डिप्टी सीएम नितिन पटेल का है, वो भी अगले मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य नामों में सीआर पाटिल और गोर्धन जदाफिया शामिल है। गुजरात में अगले दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके पहले विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये काफी अहम माना जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो अब नए नेतृत्व के साथ बीजेपी गुजरात में अगला चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी पिछले कुछ महीनों से राज्य में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.